गुड मॉर्निंग गर्ल्स, आई एम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटेटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज हम पैनेसिया पार्ट 10 डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ऑलरेडी हमने अप टू पार्ट 9 तक डिस्कस किया, आप जाके प्लेलिस्ट के अंदर चेक कर सकते हैं। क्रोनोमीटर जो कि क्लॉक टाइम जो कि मेजरमेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्लैपोमीटर वॉल्यूम ऑफ अप्लॉज का इस्तेमाल करते हैं, और कंपास जो है डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ एंड साउथ, जो कि समुद्र के अंदर आप जहाज या एयरक्राफ्ट के अंदर आपको यूज़ करते हैं, कैलोरीमीटर जो कि कलर के लिए, क्रीप मीटर स्लो सरफेस डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन एक्टिव जियोलॉजिक फॉल्ट इन द अर्थ, उसके लिए हम लोग क्रीप मीटर का इस्तेमाल करते हैं, डिक्लिनोमीटर जो है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन के लिए हम लोगों का इस्तेमाल करते हैं, और एक होता है इंक्लिनोमीटर जो कि आप जहाज अगर रोलिंग करता है तो उस टाइम पर आपको इंक्लिनोमीटर का इंक्लिनेशन ऑफ शिप पता कर सकते हैं, डेंसीमीटर जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड्स मेजर करने के लिए, डेंसिटोमीटर जो है डिग्री ऑफ डार्कनेस इन फोटोग्राफिक और सेमी ट्रांसपेरेंट मटेरियल का फाइंड आउट करने के लिए डेंसिटोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, और जो कैलिपर्स होता है वो डिस्टेंस मेजर करने के लिए, कैलोरीमीटर हीट ऑफ द केमिकल रिएक्शन, कैचेटोमीटर जो कि वर्टिकल डिस्टेंसेस, और सीलोमीटर हाइट ऑफ द क्लाउड बेस, ये थोड़ा सा रिपीट हुआ, डोंट वरी। डिफ्रैक्टोमीटर, ओके, डिफ्रैक्टोमीटर स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल्स के लिए होता है, डायलेटोमीटर जो है वॉल्यूम चेंजेस कॉज्ड बाय फिजिकल और केमिकल प्रोसेस के लिए डायलेटोमीटर होता है, डिस्ड्रोमीटर जो कि साइज स्पीड एंड वेलासिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स के लिए, डोजीमीटर जो है एक्सपोजर टू हजार्ड एस्पेशली रेडिएशन एंड आइटम्स, जो भी रेडिएटेड आइटम्स होता है उसको, उस एक्सपोजर को उसको मेजर करने के लिए डोजीमीटर का इस्तेमाल करते हैं, डंपी लेवल्स जो होता है हॉरिजॉन्टल लेवल्स पोलर एंगल, डायनेमोमीटर फोर्स टॉर्क और फोर्क मेजर करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी मीटर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज्ड इलेक्ट्रिक मीटर इलेक्ट्रिक चार्ज वहाँ पे इस्तेमाल होता है इसका। अगला देखा जाए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक जो ट्यूनर है वो पिच ऑफ म्यूजिकल नोट्स के लिए मेजर करने के लिए होता है, एलिप्सोमीटर जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डाइलेक्ट्रिक फंक्शन और थिकनेस ऑफ द थिन फिल्म्स के लिए एलिप्सोमीटर होता है, यूडियोमीटर जो है चेंज इन वॉल्यूम ऑफ गैस मिक्सचर फॉलोइंग कंबशन के लिए यूडियोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, एवेपोरेमीटर जो है जो कि रेट ऑफ एवेपोरेशन मेजर करने के लिए, फैथोमीटर ओशन डेप्थ मेजर करने के लिए, फीलर गॉज जो है विड्थ मेजर करने के लिए होता है, FLIR क्या होता है फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड होता है जो डिटेक्ट करते हैं इंफ्रारेड ही एनर्जी जो कि हीट कन्वर्ट्स इनटू एन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल विच इज़ देन प्रोसेस टू प्रोड्यूस ए थर्मल इमेज ऑन ए वीडियो मॉनिटर एंड परफॉर्म टेम्परेचर कैलकुलेशंस, जो कि FLIR का मेन फंक्शन है दोस्तों। फ्रेमिंग जो स्क्वायर होता है राइट एंगल्स इन कंस्ट्रक्शन, इसका मेन रीज़न है, और फ्रीक्वेंसी जो काउंटर होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेट करंट मेजर करने के लिए, फील गॉज जो है फ्यूल लेवल चेक करने के लिए, गैल्वेनोमीटर जो कि इलेक्ट्रिसिटी मेजर करने के लिए, जो कि एमीटर भी आप करंट मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, गैस पिकनोमीटर क्या होता है वॉल्यूम एंड डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स मेजर करने के लिए होता है, गीगर काउंटर जो कि आयनाइजिंग रेडिएशन अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशन का मेजर करने के लिए होता है, ग्लूकोमीटर जो कि ब्लड ग्लूकोज जो कि डायबिटीज़ है कि नहीं चेक करने के लिए ग्लूकोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, ग्राफोमीटर जो है एंगल्स मेजर करने के लिए, हीलियोमीटर जो कि वेरिएशन ऑफ द सन्स डायमीटर, हाइड्रोमीटर जो कि ग्रेविटी ऑफ द लिक्विड जो कि डेंसिटी ऑफ द लिक्विड कह सकते हो, हाइग्रो ह्यूमिडिटी के लिए, इंक्लिनोमीटर जो कि एंगल ऑफ द स्लोप वो किस हिसाब से आप कितना स्लोप है आप पता करने के लिए, इंकोमीटर जो कि इंक, इंटरफेरोमीटर जो कि वेव इंटरफेरेंस को मेजर करने के लिए, इंफ्रारेड थर्मोमीटर जो कि मेजर्स हीट रेडिएटेड, और कैदरोमीटर जो होता है कंपोजिशन ऑफ गैसेस के लिए, और लैक्टोमीटर जो कि स्पेसिफिक ग्रेविटी या डेंसिटी ऑफ द मिल्क के लिए होता है, जो कि लाइट मीटर होता है लाइट को या फोटोग्राफी को मेजर करने के लिए, और यहाँ पे लोड जो सेल होता है वो मेजरमेंट ऑफ फोर्स मेजर करने के लिए, और लक्स मीटर जो है इंटेंसिटी ऑफ लाइट मेजर करने के लिए, मैग्नेटोमीटर जो कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स के लिए, और मैनोमीटर जो कि प्रेशर ऑफ द गैस के लिए यूज़ होता है, और एनीमोमीटर जो कि स्पिन विंड मेजरमेंट के लिए होता है, मास फ्लो ऑफ मीटर जो है ये मास फ्लो रेट ऑफ फ्लूइड ट्रैवलिंग थ्रू अ ट्यूब, ये मेन मास फ्लो मीटर का उद्देश्य है दोस्तों, और मास स्पेक्ट्रोमीटर जो है मासेस ऑफ आयन्स यूज टू आइडेंटिफाई केमिकल सब्सटेंसेस थ्रू देयर मास स्पेक्ट्रा, और जो मेगर होता है वो इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन मेजर करने के लिए होता है, मर्क्यूरी बैरोमीटर जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए, माइक्रोमीटर जो कि स्मॉल डिस्टेंसेस मेजर करने के लिए होता है, मल्टीमीटर जो है कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और रेजिस्टेंस और करंट को मेजर करने के लिए मल्टीमीटर का, मल्टी यानी अलग अलग
पोटेंशियल भी कर सकते हो और साथ में रेसिस्टेंस और करंट तीनों को मेजर कर सकते हैं। एफिलोमीटर जो कि पार्टिकल्स इन ए लिक्विड, और मेगर जो कि इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन मेजर करने के लिए, मर्क्यूरी बैरोमीटर जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए होता है, माइक्रोमीटर स्मॉल डिस्टेंसेस, और माइक्रोस्कोप जो कि माइक्रो बैक्टीरिया और प्रोटोजोवा जो उसको खोज किया एंटोनी लेवन हुक ने खोज किया इसको, जिसकी वजह से हम लोग आराम से माइक्रो बैक्टीरिया को मेजर कर सकते हैं, मतलब देख सकते हो। मल्टीमीटर जो कि ऑलरेडी बता दिया, नेफिलोमीटर जो होता है पार्टिकल इन ए लिक्विड मेजर करने के लिए, और ओडोमीटर जो कि डिस्टेंस ट्रैवल, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो आपको गाड़ी में भी लगा हुआ वो बताता है, और ओममीटर जो कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए, आर्किडोमीटर जो होता है टेस्टिकल साइज़, आपका जो ह्यूमन में जो टेस्टिकल्स का जो साइज़ होता है वो आपको मेजर करने के लिए हेल्प करता है, और ऑसिलोस्कोप जो होता है ऑसिलेशन मेजर करने के लिए, पार्किंग मीटर जो है कलेक्ट मनीज फॉर व्हीकल पार्किंग राइट्स इन ए जोन फॉर ए लिमिटेड टाइम, सो उसको कहते हैं पार्किंग मीटर, और पेडोमीटर जो होता है स्टेप्स मेजर करने के लिए, और पीएच मीटर जो होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन जो कि केमिकल एसिडिटी या बेसिसिटी ऑफ ए सॉल्यूशन मेजर करने के लिए होता है, फोटोमीटर जो कि ल्यूमिनेंस और ऑर्डिनेंस को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है, प्लानोमीटर एरिया, और पोलैरिमीटर जो कि रोटेशन ऑफ पोलराइज्ड लाइट के लिए, और पोटेंशियोमीटर जो कि वोल्टेज का मेजर करने के लिए होता है, और प्रोफिलोमीटर जो कि सरफेस रफनेस कितना है वो बता करने के लिए, प्रोट्रैक्टर नॉर्मली हम लोग बचपन में यूज़ करते थे एंगल्स मेजर करने के लिए, साइक्रोमीटर जो है ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए, पिक्नोमीटर फ्लूइड डेंसिटी के लिए, पिरानोमीटर जो कि सॉलिड रेडिएशन मेजर करने के लिए, पेरिहेलीमीटर जो कि डायरेक्ट सोलर इंसुलेशन जो होता है, जो कि सूरज का जो रोशनी होता है वो पेरिहेलीमीटर से, और पायरोमीटर जो कि हाई टेम्परेचर्स मेजर करने के लिए, क्वाड्रेंट परसेंटेज कवर ऑफ ए सर्टन स्पीसीज उसको हम क्वाड्रेंट के नाम पे कहते हैं, क्वाड्रेंट नहीं, और रेन गाज जो कि मेजरिंग ऑफ द रेन मेजर करने के लिए, रेडियोमीटर रेडिएशन फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, रिफ्रैक्टोमीटर जो कि इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, रियोमीटर जो कि रिस्पॉन्स टू अप्लाइड फोर्सेस, रोटामीटर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड और गैस इन ए क्लोज्ड ट्यूब, उसको रोटामीटर का इस्तेमाल करते हैं, रूलर जो है मेजरिंग लेंथ के लिए जो हम लोग स्केल यूज़ करते हैं उसको रूलर भी कहते हैं, सैक्रोमीटर जो कि अमाउंट ऑफ शुगर इन ए सॉल्यूशन, और सिस्मोमीटर जो कि सिस्मिक वेव्स, ये फॉर एग्जांपल जो भी अर्थक्वेक होता है, और सेक्सटेंट जो कि लोकेशन ऑन अर्थ सरफेस, आप लोग समुद्र में जाते हो तो उस टाइम पे ये जो सेक्सटेंट है, जब हम समुद्र में जाते हो तो बोट के अंदर आपको स्टार को देख के आपको डिस्टेंस वगैरह पता करते हैं, स्पेक्ट्रोमीटर जो है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट मेजर करने के लिए, और स्पीडोमीटर जो कि स्पीड वेलोसिटी ऑफ व्हीकल के लिए, स्पायरोमीटर लंग कैपेसिटी, अपना जो लंग का कैपेसिटी कितना है उससे हम स्पायरोमीटर से मेजर करते हैं, स्पेरोमीटर रेडियस ऑफ द स्पीयर के लिए, और स्पिग्मोमैनोमीटर ब्लड प्रेशर के लिए, स्ट्रेन मीटर सिस्मिक स्ट्रेन, कितना स्ट्रेन सिस्मिक का वो पता करते हैं, SW रेशियो यानी स्टैंडिंग वेव रेशियो होता है, ये मीटर से हम लोग SWR का फाइंड आउट कर सकते हैं, टैकियोमीटर डिस्टेंस मेजर करने के लिए, टैकोमीटर जो कि रेवोल्यूशन पर मिनट, रेट ऑफ ब्लड फ्लो, स्पीड ऑफ एरोप्लेन्स, ये आपको बताता है टैकोमीटर का, टैक्सीमीटर यानी डिस्टेंस ट्रैवल डिस्प्लेसमेंट, और टेंजियोमीटर द सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड, और थियोडोलाइट जो कि मेजरिंग एंगल्स ऑफ द हॉरिजॉन्टल वर्टिकल प्लेन्स के लिए होता है, और थर्मोमीटर जो कि टेम्परेचर मेजर करने के लिए, टिल्ट मीटर जो कि माइनर चेंजेस टू द अर्थ, यहाँ पे जो देखा जाए टिंटोमीटर जो है कि कलर के लिए, और वैक्यूम गाज जो होता है वेरी लो प्रेशर, विस्कोमीटर जो कि विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड, जैसे कि वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस, और यहाँ पे वोल्टेज को मेजर करने के लिए, वाट मीटर जो कि इलेक्ट्रिक पावर, और वेइंग स्केल जो होता है वेट के लिए होता है, विंड वेन जो कि विंड डायरेक्शन, और जाइमोमीटर जो कि फर्मेंटेशन के लिए आप जाइमोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे जो सोनोमीटर है ये सरफेस टेंशन और फ्रीक्वेंसी एंड डेंसिटी ऑफ द वाइब्रेशन के लिए होता है, फैथोमीटर डेप्थ के लिए, और अर्थक्वेक जो कि सिस्मोग्राफ या रेक्टर स्केल कह सकते हैं, स्टेथोस्कोप जो कि हार्ट बीट ब्रीदिंग के लिए मेजर करने के लिए होता है, पॉलीग्राफ जो होता है वो ट्रूथ जो सही बता रहा है कि नहीं झूठ बता रहा है वो बताने के लिए पॉलीग्राफ टेस्ट होता है, पायरोमीटर जो कि हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, हीलियोमीटर को इस्तेमाल करते हैं टेम्परेचर ऑफ द सन पता करने के लिए, जो कि रेडार रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है, इज यूज टू फाइंड द पोजीशन ऑफ द जो कि जहाज वगैरह किसी का पता कर सकते हैं। अब बात आता है साउंड का, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड लाइक ऑल अदर एनर्जीज साउंड इज नॉट विजिबल टू अस, इट कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, जैसे कि आप जानते हैं सॉलिड लिक्विड गैस के अंदर अलग अलग इसका स्पीड होता है, और इसका जो वेव्स होते हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होते हैं दोस्तों, और जो कि यहाँ पे कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन का मिलन होता है, और जो कि साउंड प्रोपगेशन जो है इट इज़ द एनर्जी ऑफ द साउंड दैट ट्रैवल्स एंड नॉट द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम,
और उसको हम लोग ट्रांसवर्स वेव, जो कि एग्जाम्पल हम लोग कह सकते हैं, जो कि लाइट जो होता है वो ट्रांसवर्स वेव का फॉर्म लेता है और जो साउंड है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होता है, और इसका जो स्पीड है 330 मीटर पर सेकंड कह सकते हो। ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपगेशन, और इसमें ट्रांसवर्स वेव में लाइट इज़ अ ट्रांसवर्स वेव, बट फॉर लाइट द ऑसिलेशन आर नॉट द मीडियम पार्टिकल्स आर देयर प्रेशर आर डेंसिटी, इट इज़ नॉट अ मैकेनिकल वेव। और जो टू एंड फ्रो मोशन जो होता है वो वाइब्रेशन कह सकते हो, और उसको हम ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं। एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी, ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है साउंड का, और जो कि लाउडनेस और सॉफ्टनेस ऑफ ए साउंड, जिसको हम लोग एम्पलीट्यूड के नाम पे जाना जाते हैं। द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव, जो कि डिपेंड करता है फोर्स विथ विच एन ऑब्जेक्ट इज़ मेड टू वाइब्रेट, जिसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। अगला देखिए, द चेंज इन डेंसिटी फ्रॉम वन मैक्सिमम वैल्यू टू द मिनिमम वैल्यू एंड अगेन टू द मैक्सिमम टू मिनिमम, इसको हम लोग कंप्लीट ऑसिलेशन कहते हैं। और ये जो कि डिस्टेंस बिटवीन द कंजिक्यूटिव कंप्रेशंस या टू कंजिक्यूटिव रेयर फ्रैक्शन को जो कहते हैं वेवलेंथ कहते हैं, और ये जो वेवलेंथ है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द, यहाँ पे जिसकी टाइम फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/T, फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन हर्ट्ज़ में मेजर करते हैं। और लार्जर द एम्पलीट्यूड ऑफ अ वाइब्रेशन, लाउडर इज द साउंड, हायर इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, द हायर इज द पिच and the shriller in the sound. A sound of a single frequency is called a tone, whereas a sound of multiple frequency, जिसको हम लोग note कहते हैं, those which have their frequency simple multiple of frequency, fundamental frequency के हिसाब से। अब यहाँ पर देखा जाए, इनको हम लोग harmonics कहते हैं। All harmonics are overtone, but all overtones are not harmonics. The speed of sound depends on properties of the medium through which it travels. The speed of the sound, जो कि यानी medium, depends ऑल्सो ऑन द टेम्परेचर एंड प्रेशर पर निर्भर करता है। जितना बड़ा टेम्परेचर रहेगा उतना साउंड कम हो जाएगा। द स्पीड ऑफ द साउंड डिक्रीजेज व्हेन वी गो फ्रॉम सॉलिड टू गैशियस स्टेट, तो यहाँ पे क्या होगा, साउंड जो है कम हो जाएगा सॉलिड टू गैशियस स्टेट में पहुँचेगा तो। इन एनी मीडियम एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर द स्पीड ऑफ द साउंड इंक्रीजेस। सो आप यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी दिया है, जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना साउंड बढ़ेगा करके। और द वेलासिटी ऑफ द साउंड थ्रू ए गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी ऑफ द गैस। इफ़ वी शाउट और क्लैप नियर द सूटेबल रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट सच एज ए टॉल बिल्डिंग्स और माउंटेन्स, वी विल हियर द सेम साउंड अगेन ए लिटिल लेटर, उसको कहते हैं इको। और द सेंसेशन ऑफ साउंड परसिस्ट इन आवर ब्रेन, जो कि 0.1 सेकंड तक आप अपने ब्रेन के अंदर साउंड देख सकते हो, सुन सकते हो। फॉर हियरिंग डिस्टिंक्ट इकोस, मिनिमम डिस्टेंस जो होना चाहिए दैट शुड बी हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस। द फिनोमेनन ऑफ प्रोलॉन्गेशन ऑफ द साउंड ड्यू टू सक्सेसिव रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड फ्रॉम सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स, जिसको हम रिवर्बरेशन कहते हैं। नॉर्मली स्टेथोस्कोप के अंदर हम लोग जो डॉक्टर जो सुनता है वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के हिसाब से, जो ऑडिबल रेंज होता है वो 20 हेड से लेके 20,000 हेड्स तक देख सकते हो। एक हेड जो है 1 साइकिल पर सेकंड कह सकते हैं। चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 एंड सम एनिमल सच एज डॉग्स कैन हियर अप टू 25 हेड्स, जो कि 1 किलो हेड्स होता है 1000 हेड्स बराबर होता है, और एक कुत्ते और जितने भी ये सुन सकते हैं। और साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी जो कि 20 हेड से जो नीचे होता है इंफ्रासोनिक कहते हैं, और जो अर्थक्वेक जितने भी होते हैं लो फ्रीक्वेंसी इंफ्रासोनिक बिफोर द मेन शॉक वेव बिगिंस, विच पॉसिबली अलर्ट द एनिमल्स फ्रीक्वेंसीज हायर दैन द 20 किलो हर्ट्ज़, जिसको हम लोग कहते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड और अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड जो कि प्रोड्यूस बाय डॉल्फिन प्रोड्यूस करता है, और बैट्स और टॉर्टोइस कह सकते हो। अल्ट्रासोनिक वेव्स आर मेड टू रिफ्लेक्ट फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द हार्ट एंड फॉर्म द इमेज ऑफ द हार्ट। दिस टेक्निक को कहते हैं इकोकार्डियोग्राफी। और अल्ट्रासाउंड जो स्कैनर है इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच यूजेस अल्ट्रासाउंड वेव्स फॉर गेटिंग इमेजेस ऑफ इंटरनल ऑर्गान्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। जो भी अल्ट्रासोनिक वेव्स है विच आर कन्वर्टेड इंटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स विच आर यूज टू जनरेट इमेज ऑफ द ऑर्गान, दीज इमेजेस आर देन डिस्प्लेड ऑन ए मॉनिटर आर पेंटेड ऑन ए फिल्म। उस टेक्निक को कहते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी। और उसको हम सोनार आप जानते हैं, जो कि साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, जो कि आप जहाज़ों के अंदर इस्तेमाल करते हैं अंडरग्राउंड जो भी सबमरीन वगैरह आइडेंटिफाई करने के लिए। अब यहाँ पे जिस मेथड को हम इको रेंजिंग के नाम पे भी जाना जाते हैं। और द स्पीड ऑफ एनी सब्सटेंस स्पेशली एयरक्राफ्ट
बी मोर दैन द स्पीड ऑफ द साउंड, उसको हम लोग सुपरसोनिक स्पीड कहते हैं और सुपरसोनिक जेट्स भी कहते हैं उनको, और जो कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड मेजर करते हैं ऑडियोमीटर के साथ। सोनार अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बैट जो प्रे करता है, जैसे कि वो हंटिंग करता है, वो इसी अल्ट्रासोनिक साउंड को भेजकर, क्योंकि जितने भी मच्छर होते हैं वो अल्ट्रासोनिक वेव्स को प्रोड्यूस करते हैं, वो रिफ्लेक्ट करता है, वो खा जाते हैं। और इंफ्रासोनिक वेव जो है 20 से बिलो है ऑडिबल, 20 से 20,000 अल्ट्रासोनिक मोर देन 20 हर्ट्ज, जो कि बैट्स होते हैं। और लाइट ट्रैवल्स फास्टर इन वैक्यूम बट नॉट साउंड, और साउंड जो है वैक्यूम के अंदर एकदम शून्य रहेगा स्पीड, पर लाइट का एकदम फास्ट रहेगा। वेलासिटी ऑफ साउंड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर कह सकते हैं, और द स्पीड ऑफ द साउंड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, जो कि स्पीड ऑफ साउंड इज़ मोर दैन मोर इन रेनी सीजन में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। और वेलासिटी ऑफ द साउंड जो कि 332 मीटर पर सेकंड होता है, नॉर्मली डायमंड के अंदर 1200 मीटर पर सेकंड देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा फास्ट होता है सॉलिड्स के अंदर। ऑर्डिनरी वाटर जो है यहाँ पे पानी में आप देख सकते हो, और यहाँ पे स्टील में भी आप स्पीड ज़्यादा है। मैक नंबर क्या होता है, वेलासिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन वेलासिटी ऑफ साउंड कहते हैं। जेट प्लेन जो होते हैं वो शॉक वेव्स प्रोड्यूस करते हैं। वॉरशिप प्रोड्यूसेस बो वेव्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विच वेव्स आर प्रोड्यूस बाय जेट प्लेन, शॉक वेव्स, वॉरशिप्स जो कि बो वेव्स। इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज स्क्वायर रूट ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड, पिच ऑफ द साउंड इज डिपेंड्स ऑन इट्स फ्रीक्वेंसी। टू हेयर हार्ट बीट जो कि फीटस का, और भाई डॉपलर इफेक्ट के थ्रू हम लोग पता कर सकते हैं। साउंड ऑफ ट्रैफिक जो होता है वो 80 से 90 तक देख सकते हो, जो थंडर लाइटनिंग के बाद जो थंडर होता है वो 150 डेसिबल तक सुन सकते हो, और जब आप 85 डेसिबल से ज़्यादा अगर है वो नॉइज पोल्यूशन कहते हैं। अगर आपका 120 130 से ऊपर अगर आप सुनोगे तो आप बहरा हो जाओगे। मोड्स ऑफ द हीट ट्रांसमिशन, हीट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय द कंडक्शन कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ये अलग अलग है, ये आप याद रखिएगा। जितने भी हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिस विल बी द लास्ट पार्ट पानाशिया का। और जो कंडक्शन कन्वेक्शन एंड रेडिएशन है, जो कि हम लोग कंडक्शन जो प्रोसेस होता है वो सॉलिड्स के अंदर देख सकते हो, कन्वेक्शन जो कि इसके अंदर वाटर के अंदर देख सकते हो, लिक्विड्स एंड गैसेस के अंदर बट नॉट द सॉलिड्स। इसके अंदर जो मूवमेंट होता है कंडक्शन के अंदर, जो कि हॉटर पार्ट ऑफ द मीडियम टू द कोल्डर पार्ट जो मूवमेंट देख सकते हो, और जो कन्वेक्शन के अंदर देर बाय द पार्टिकल्स मूव टू द सोर्स ऑफ द हीट। और रेडिएशन जो प्रोसेस होता है, सूरज से जो रोशनी निकलता है वो रेडिएशन प्रोसेस ही कह सकते हैं, और इसका कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होता है। और डिफ्यूजन जो कि सबसे फास्टेस्ट नाइट्रोजन, जो कि फास्टेस्ट डिफ्यूजन परफ्यूम की तरह निकल जाता है। और एक्लिप्सिस टेक्स प्लेस ड्यू टू द रेक्टिलिनर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, वो कितने प्रकार के हों, दो प्रकार के हैं, और ये सोलर ल्यूनर होता है। द सन इज़ अ ल्यूमिनस बॉडी एंड द मून इज द अर्थ आर द नॉन ल्यूमिनस बॉडी, और द मून इज़ विजिबल टू अस नाइट ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ द लाइट की वजह से वो दिखाई देता है। और जो कि मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, इसमें सोलर इक्लिप्स क्या होता है, ल्यूनर इक्लिप्स क्या होता है, जब सोलर इक्लिप्स तब होता है जब सूरज दिखता नहीं है, सूरज तभी नहीं दिखता है जब मून जो है अर्थ और सूरज के बीच में आ जाता है, और वो सूरज गायब हो जाता है। उसको आपको पता होनी ज़रूरी है कब हम लोग ये सोलर इक्लिप्स देखने को मिलता है, जब अम्ब्रा और पेनम्ब्रा जो पोजीशन होता है, अम्ब्रा यानी पूरा एकदम गायब हो जाता है, पेनम्ब्रा और पेनम्ब्रा पोजीशन में हम लोग ये जितने भी इक्लिप्सेस देख सकते हैं। जो यहाँ पे जो ल्यूनर इक्लिप्स होता है, जो कि मून और धरती के बीच में, अभी यहाँ पे मून जो है मून और सूरज के बीच में धरती आ जाता है, तब मून गायब हो जाता है, मून दिखाई नहीं देता, उसको हम ल्यूनर इक्लिप्स कहते हैं। और क्योंकि हमारा जो मून का सूरज अपना जो अर्थ का जो शैडो है वो जाके मून पर गिरता है, मून गायब हो जाता है। क्लिनिकल थर्मोमीटर जो है, इट्स अ रेंज इज़ क्वाइट लेस दैन दैट इज़ 35 to 45 degrees centigrade देखने को मिलता है, 110 फॉरेनहाइट to 95 फॉरेनहाइट। थॉमस क्लिफोर्ड एल्बर्ट इज़ वन ऑफ द इन्वेंटेड क्लिनिकल थर्मामीटर, जिन्होंने खोज किया है, थॉमस क्लिफोर्ड एल्बर्ट क्लिनिकल थर्मामीटर को खोज किया है। रेडिएशन पैरामीटर जानते हैं, जो कि थर्मामीटर विच इज़ सूटेबल टू मेजर 2000 degrees centigrade एंड अबो, उससे ज़्यादा रेडिएशन पैरामीटर के लिए। और आप जानते हैं सेल्सियस और फॉरेनहाइट, जो कि -40 degrees में एकदम पैरिटी इक्वल होता है। टेम्परेचर इज डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस कहते हैं, और टू मेजर अबाउट 800 degrees centigrade वी यूज़ पैरोमीटर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर -273.16 को कहते हैं, और टेम्परेचर स्केल होता है वो लो फिक्स्ड पॉइंट इज आइस पॉइंट कह सकते हो,
और यहाँ पे अपर फिक्स्ड पॉइंट जो कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और सेल्सियस स्केल जो है यहाँ डिग्री सेल्सियस कह सकते हो, डिज़ाइन बाय एंड्रेस सेल्सियस, 1710 में इस सेल्सियस स्केल को खोज किया इन्होंने। 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, 100 डिग्री तक 100 पार्ट में इक्वल डिवाइड किया गया। फॉरेनहाइट स्केल जो होता है गैब्रियल फॉरेनहाइट ने जो कि 1717 में खोज किया, स्टार्टिंग होता है 32 डिग्री फॉरेनहाइट से स्टार्ट होता है, इट गोज़ अप टू 212 फॉरेनहाइट जो कि 180 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। जो फॉर्मूला होता है C-0/100 इज इक्वल टू F-32/180। केल्विन स्केल जो कि डिज़ाइन करने वाला केल्विन, जो कि स्टार्टिंग 273 से स्टार्ट होता है और अप टू 373 तक जो कि 100 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और यही फार्मूला आपको याद रखिएगा। और जो टेम्परेचर और -40 डिग्रीज जो कि हीट सेल्सियस और फॉरेनहाइट दोनों बराबर होते हैं, और 874.25 टेम्परेचर फॉरेनहाइट और केल्विन स्केल दोनों सेम बराबर देखने को मिलता है फॉरेनहाइट और केल्विन। और ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है, एक ऐसा स्टेट होता है एट विच थ्री फेज वाटर आइस एंड लिक्विड वाटर एंड वाटर वेपर आर इक्वली स्टेबल। एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे एक फेज़ होता है वाटर आइस और लिक्विड वाटर एंड वाटर वेपर तीनों स्टेबल होंगे और एंड को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। इट इज़ यूनिक बिकॉज इट अकर्स एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर ऑफ 273.16 के एंड द स्पेसिफिक प्रेशर ऑफ 0.46 सेंटीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी कॉलम। ए ब्लैक बॉडी अब्जॉर्ब्स द एंटायर थर्मल रेडिएशन इंसिडेंट ऑन इट। प्रैक्टिकली देर इज़ नो बॉडी विच अब्जॉर्ब्स 100% रेडिएशंस इंसिडेंट ऑन इट। फेरी डिजिनेटेड ए ब्लैक बॉडी विच ए स्फेरिकल एंक्लोजर पेंटेड ब्लैक फ्रॉम इनसाइड विच ए स्मॉल होल इन द वॉल। इसको हम ब्लैक बॉडी कहते हैं। एनी रेडिएशन थ्रू दिस होल गोज इनसाइड एंड गेट अब्जॉर्ब्ड आफ्टर मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। देर इज कोन डायरेक्टली अपोजिट टू द होल ड्यू टू विच इंसिडेंट रेडिएशन इज नॉट रिफ्लेक्टेड बैक थ्रू द होल। और जनरली ऑल द लिक्विड्स एक्सपैंड इन वॉल्यूम वेन दे आर हीटेड, बट वाटर डिक्रीजेस इन वॉल्यूम वेन हीटेड फ्रॉम 0 डिग्रीज टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड एंड देन आफ्टर 4 डिग्री सेंटीग्रेड इट इंक्रीजेस इन वॉल्यूम ऑन फर्दर हीटिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। द वॉल्यूम ऑफ ए फिक्स्ड मास ऑफ वाटर जो कि सबसे कम आप देखने को मिलता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड में, और इसका जो डेंसिटी है सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, और विद द फर्दर राइज इन टेम्परेचर उसका डेंसिटी कम हो जाता है। मैक्सिमम पोर्शन ऑफ सोलर वाटर जो होता है ऑब्टेंड बाय द अर्थ इज़ इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड एंड थर्मल। यहाँ पे जो सोलर एनर्जी जो ऑब्टेन करते हैं हम लोग इंफ्रारेड और थर्मल एनर्जी से ऑब्टेन करते हैं। बोलोमीटर जो कि डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ इंफ्रारेड रेस मेजर करने के लिए बोलोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड जो इंक्रीज होता है विद इंक्रीजिंग प्रेशर, और स्केटिंग ऑन आइस इज़ पॉसिबल ड्यू टू द रेगुलेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्यों स्केटिंग पॉसिबल होता है, बिकॉज ऑफ दिस रेगुलेशन। देन एजोथर्मल प्रोसेस द थर्मल द टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, और 1 कैलोरी हीट जो कि बराबर होता है 4.2 जॉल ऑफ वर्क एनर्जी जो कि विच गेट्स फ्रॉम फूड इज मेजर्ड इन द कैलोरीज में, हम जितना कैलोरीज हमें खाना लेना चाहिए। हाइग्रोमीटर रिलेटिव ह्यूमिडिटी द स्टडी ऑफ वेरी लो टेम्परेचर जो कि क्रायोजेनिक्स कहते हैं, और सर्जरी और मैग्नेटिक एलिविएशन के अंदर इस्तेमाल करते हैं। अल्कोहल इज ऑप्टेड एज थर्मोमेट्रिक लिक्विड इन कोल्ड कंट्रीज इंस्टेड ऑफ मर्क्यूरी। इट्स फ्रीजिंग पॉइंट इज क्वाइट लेस। जहाँ पे बहुत ठंडे जगह होते हैं वहाँ पे अल्कोहलिक थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, नॉट द मर्क्यूरी वाला। द थर्मोस्टैट जो होता है वो टेम्परेचर ऑफ द बॉडी अपना कांस्टेंट रखता है, इवन आप लोग रेफ्रिजरेटर के अंदर भी देख सकते हो। और लाइट के बारे में देखा जाए, लाइट एक होमोजेनस मीडिया थ्रू जो कि हम लोग इट कैन जो ओपेक बॉडीज है और साथ में ट्रांसपेरेंट बॉडीज है, इट कैन पास थ्रू द लाइट कैन पास पार्शियली थ्रू द ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूजेंट के अंदर पार्शियली आप देख सकते हो। ओपेक बिल्कुल लाइट ट्रैवल नहीं करता। द लाइट रे विच स्ट्राइक्स एनी सरफेस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। और इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल जितने भी एंगल है ये तीनों एक ही लाइन पे लाई होता है। और टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट रहेगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है। वो तीनों एक ही पॉइंट पे आप देख सकते हो। और यहाँ पे स्फेरिकल मिरर हूज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड्स, जिसको हम लोग कॉन्वेक्स मिरर भी कहते हैं। और ये आप कॉन्वेक्स मिरर जैसे कि आप लोग ड्राइवर्स के बगल में देखने को मिलता है। द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पॉइंट कॉल्ड द पोल, उस पॉइंट को हम पोल कहते हैं। इट लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर। अब जो भी कॉन्केव मिरर्स है वो टॉर्चस में, सर्च लाइट्स में और हेडलाइट्स में इस्तेमाल करते हैं, और शेविंग मिरर्स के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं।
और जो लाइट द रेडिएंट एनर्जी विच प्रोड्यूसेस इन अस द सेंसेशन ऑफ साइट कह सकते हो, जो कि प्रॉपर्टीज आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा, जो कि फास्टेस्ट वैक्यूम में देख सकते हो, वेवलेंथ ऑफ द लाइट जो कि 4400 नैनोमीटर से लेके 700 तक देख सकते हो, और यहाँ पे जो स्मॉल पैकेट्स में जो जाता है वो फोटॉन्स कह सकते हैं, और बीम ऑफ लाइट्स अलग अलग बीम है, पैरेलल डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट, ल्यूमिनस बॉडीज सूरज और स्टार्स जितने भी सब ल्यूमिनस बॉडीज़ कह सकते हैं। अब यहाँ पे जो कि नॉन ल्यूमिनस बॉडीज़ जो कि मून है, नेचर जितना भी नॉन ल्यूमिनस कह सकते हो, अम्ब्रा पेनम्ब्रा हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो कि आप जानते हैं, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमने डिस्कस किया है आप देख सकते हो, और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है ट्वाइस द फोकल लेंथ कह सकते हो, द स्ट्राइट लाइन जो भी पास होता है थ्रू द पोल ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर जो कि प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, और एरिया यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर के हिसाब से चेक कर लीजिएगा, और जो कि कन्वर्जेंट लेंस कहते हैं जो कि कॉन्केव मिरर को, डाइवर्जेंट जो कि कॉन्वेक्स को कहते, डाइवर्जेंट कॉन्केव को कहते हैं, कन्वर्जेंट जो कि कॉन्वेक्स को कहते हैं, और जो कि शेविंग मिरर, फ्लड लाइट्स, हेडलाइट्स के अंदर ये इसका कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करते हैं, और सोलर कुकर्स के अंदर कॉन्केव का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पे जो भी बॉडी पार्ट डेंटिस्ट वगैरह जो होते हैं वो लोग एक प्लेन मिरर या कॉन्केव का इस्तेमाल करते हैं, और रियर व्यू मिरर जो कि ड्राइवर मिरर होता है वो कॉन्वेक्स होता है, और यहाँ पे देखा जाए मिरर फार्मूला देख लीजिए, 1/f = 1/u + 1/v, और यहाँ पे देखा जाए मैग्निफिकेशन जो होता है रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज से लेके हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है m = i/o, जो लेंस होता है एक ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है विच इज़ बाउंडेड बाई टू स्फेरिकल सर्फेसिस, ए कॉन्वेक्स लेंस इज थिक एट द सेंटर एंड थिनर एट द एडजेस, और यहाँ पे लेंस फार्मूला आप देख सकते हो 1/v - 1/u / 1/f, और कॉन्वेक्स लेंस कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है आप देख लीजिएगा इसके अंदर, और अगला अगर देखा जाए ड्राइवर मिरर के अंदर कॉन्वेक्स का इस्तेमाल करते हैं, कॉन्वेक्स जो है डबल कॉन्वेक्स और बाई कॉन्वेक्स लेंसेज देखने को मिलता है, एक साइड अगर प्लेन रहेगा और एक साइड कॉन्वेक्स रहेगा वो प्लानो कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, और कॉन्वेक्सो कॉन्केव यानी एक साइड कॉन्वेक्स और एक साइड कॉन्केव रहेगा, और यहाँ पे डबल कॉन्केव या बाईफोकल लेंस भी कह सकते हैं डबल कॉन्केव को बाई कॉन्केव लेंस। अगला देखिए यहाँ पे जो भी मैग्नीफाइंग ग्लासेस है वो द कॉन्वेक्स लेंस कैन फॉर्म्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वेरी क्लोज टू द लेंस, इमेज फॉर्म्ड जो कि वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड देखने को मिलता है, कॉन्केव लेंस इज ए पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास विच इज कर्व्ड इनसाइड, ओके ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, और द बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन इट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम जो कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, कॉन्केव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स इरेक्ट वर्चुअल एंड स्मॉलर इमेज दैन द ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है जो कि लाइट मूव्स फ्रॉम लेसर मीडियम टू लेसर डेंसर लेस डेंसर टू मोर डेंसर जो कि बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, लाइट मूव्स फ्रॉम मोर डेंसर टू लेस डेंसर जो कि बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इंसिडेंट रिफ्रैक्टेड नॉर्मल लाई ऑन द सेम पॉइंट, जो स्नेल्स लॉ होता है साइन ए बाय साइन आर, ये एक फार्मूला होता है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जो टिंक टिंक ऑफ स्टार्स जो होता है मिरेजेस होता है बेंडिंग ऑफ लाइट होता है ये जितने भी हैं ये प्राइमरीली मेड ऑफ हाइड्रोजन एंड जो कि स्टार्स आप देख सकते हो हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ रहता है, और बेंडिंग ऑफ लीनियर ऑब्जेक्ट्स व्हेन इट इज़ पार्शियली डिप्ड इन ए लिक्विड इंक्लाइंड टू द सरफेस ऑफ द लिक्विड, इसको हम लोग कहते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स जो कि ओवल शेप ऑफ सन इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग आपको देखने को मिलता है, और ये ऊपर ऊपर मैं देख के जा रहा हूँ क्योंकि इतना खास इसमें जो जो हाइलाइटेड है वही है, मिरेजेस जो होता है वो प्राइमरीली ड्यू टू द रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वो एफ सी केबल के अंदर हम लोग देखने को मिलता है, और जो मिरेजेस है वो रिफ्रैक्शन के साथ साथ और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है, नॉर्मली एफ सी केबल के अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, फॉर्मेशन ऑफ इंटीरियर इमेज वेव लाइक फॉर्मेशन होता है, पोल क्या होता है जो कि मिडिल पॉइंट को कहते हैं, और प्रिंसिपल एक्सिस इज द लाइन जॉइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ द डिस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द पोल कह सकते हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो कि 2f बराबर होता है, अपर्चर जो कि इट्स द डायमीटर ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द स्फेरिकल मिरर कह सकते हो, प्रिंसिपल फोकस और यहाँ देखिएगा क्या क्या दिया हुआ है, और कंजुगेट फोकी व्हेन रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम ए स्फेरिकल मिरर द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज जिसको हम लोग कहते हैं कंजुगेट फोकी, पावर ऑफ ए लेंस क्या होता है यहाँ पे पावर इज इक्वल टू 1/f, डायमीटर d होता है, और इट्स ए नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू सी द
ऑब्जेक्ट्स बाई ह्यूमन बींग्स, इट इज़ लाइक ए कैमरा विच हैज़ लेंस एंड स्क्रीन सिस्टम, और वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई के हिसाब से जो भी लाइट आता है वो रिटिना पे पड़ता है, जो फॉर्म होता है रियल इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होता है, और दैट सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एंड ब्रेन इंटरप्रेट दिस इमेज इन टू एरेक्ट इमेज. और यहाँ पे ए ग्लास प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट सरफेस मेड अप ऑफ ग्लास. ए ट्रायंगुलर प्रिज्म हैज़ टू ट्रायंगुलर लैटरल सरफेसेस. और द फिनोमेनन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू सेवन कलर्स, जिसको विब्जियम, वो प्रिज्म पढ़ते ही वो विब्जियर वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड इस डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहते हैं. और जो कि रेनबो आप देखने को मिलता है स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट फ्रॉम द सन. दिस इज अ फिनोमेना ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ इफेक्ट डिस्पर्शन रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट बाय द स्फेरिकल वाटर ड्रॉपलेट्स ऑफ आयरन. मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस, जो कि ये जिस बंदे को प्रॉब्लम हो जाता है, कैन सी द नियर ऑब्जेक्ट्स वाइल क्लियरली वाइल फार ऑब्जेक्ट्स आर नॉट सीन. कॉजेस क्या है? एलोंगेशन ऑफ आईबॉल और शॉर्टनिंग ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस, ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ सिलरी मसल्स बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट. मेन रेमेडी इसका डाइवर्जिंग लेंस यानी कॉन्केव लेंस. हाइपरमेट्रोपिया या हाइपरोपिया या लॉन्ग साइटेडनेस कहते हैं जिसको ये प्रॉब्लम हो जाता है, वो क्या है? डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली देख पाता है पर पास वाले नहीं देख पाता है. सो कॉजेस शॉर्टनिंग ऑफ द आईबॉल अलॉन्ग द एक्सिस, इंक्रीजिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस, स्टिफनिंग ऑफ सिलेरियम मसल्स. इसका जो रेमेडी है कन्वर्जिंग लेंस यानी कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस का. प्रेसबायोपिया, जो कि हम बाईफोकल लेंस का इस्तेमाल करते हैं, और द डिफेक्ट जो होता है एल्डरली पर्सन में होता है ड्यू टू द स्टिफनिंग ऑफ सिलेरी मसल्स और आई लॉजेस मच ऑफ इट्स अकोमोडेटिंग पावर. एज ए रिजल्ट डिस्टेंस एज वेल एज नियर बाई ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी सीन. ये मेन बूढ़े लोगों के अंदर देखने को मिलता है. एस्टिगमेटिज्म, जो कि सिलेंड्रिकल लेंस यूज़ किया जाता है, जिसमें क्या होता है रिजल्ट रेस ऑफ फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेन टू आर ब्रॉड टू फोकस बाय आई इन अनदर प्लेन. ओवरऑल इसको वर्टिकल लाइंस वगैरह नहीं देखने को मिलता है. प्राइमरी रेनबो क्या होता है? इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द टू रिफ्रैक्शंस एंड वन टोटल इंटरफ्रैक्शन ऑफ द लाइट इंसिडेंट ऑन द ड्रॉपलेट्स. सनलाइट इज़ फर्स्ट रिफ्रैक्टेड एंड इट एंटर्स रेन ड्रॉप विच कॉज डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट टू सेपरेट. द ऑब्जर्वर सीज द रेनबो विद द रेड कलर ऑन द टॉप ऑफ द वायलेट ऑन द बॉटम. और टोटल इंटर रिफ्लेक्शन, जैसे कि आप जानते हैं, ये टोटल इंटर रिफ्लेक्शन जो है एंटायर इंसिडेंट लाइट ऑफ द बाउंड्री. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ओनली टेक्स प्लेस व्हेन बोथ ऑफ द फॉलोइंग टू कंडीशंस आर मेट. लाइट इज इन द मोर डेंस मीडियम एंड अप्रोचिंग द लेस डेंस मीडियम. और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर दैन द क्रिटिकल एंगल. सो यहाँ पे जो कि ऑप्टिकल फाइबर केबल के अंदर देखने को मिलता है और स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड के अंदर भी ये देखने को मिलता है. मिराज और लूमिंग शाइनिंग ऑफ एयर बबल्स इन वाटर, जो कि यही एग्जाम्पल है. और इंक्रीज इन ड्यूरेशन ऑफ सन्स विजिबिलिटी, द सन बिकम्स विजिबल. और यहाँ पे जितने भी दिया गया स्मोक्ड बॉल और डिस्पर्शन ऑफ लाइट, देखिएगा किस हिसाब से विब्जियर की तरह स्प्लिट हो रहा है. लेज़र लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, रॉइनजन ने फाइंड आउट किया है इसको. ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज़ ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है. और यहाँ पे देखा जाए, अगला देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखते जाइए अब. और ब्लू स्काई क्यों होता है? ब्लू स्काई हैज़ ए शॉर्टर वेव लेंथ दैन रेड कलर बाय 1.8 टाइम्स. देयरफॉर ब्लू कलर इज स्कैटर्ड स्ट्रांगली, हेंस द ब्लूइश कलर प्रीडोमिनेट्स इन ए क्लियर स्काई. इफ द अर्थ हैड नो टेम्परेचर देर वुड नॉट हैव बीन एनी स्कैटरिंग, देन द स्काई वुड हैव लुक्ड डार्कर. सो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है? वेन टू लाइट वेव्स ऑफ एग्जैक्टली द सेम फ्रीक्वेंसी and a constant phase distance difference travel in the same direction and superimpose, then the resultant intensity in the region of superposition is different from the sum of the intensity of the individual waves. So yahan pe interference of light dekhiyega. Diffraction of light kya hota hai? Diffraction is the process of by which a beam of light or other systems of wave is spread out as a result of passing through the narrow opening or across the edge. Polarization of light check kar lo. पोलराइजेशन क्या होता है, जितने भी दिया गया है हाईलाइट किया है, प्लीज़ आप इसको चेक कर लीजिएगा. वाइट क्लाउड्स वाइट क्यों होते हैं? क्योंकि इसके अंदर लास्ट डस्ट पार्टिकल देखने को मिलता है. वाटर ड्रॉपलेट्स आर आइस पार्टिकल्स, ये दे डू नॉट ओबे द रिलीगे लॉ. द अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द वेव लेंथ. सो यहाँ पे देखा जाए, इन विच year did old Romer measure the speed of the light for the first time in the history 1676
प्रेजेंस ऑफ ओजोन लेयर जो कि स्ट्रेटोस्फीयर में देखने को मिलता है, और अलग अलग लेयर्स है देख सकते हो, और रेडियो वेव साइनोस्फीयर में देख सकते हो, एनल स्प्रे, फ्रियन गैस और एयर कंडीशन जो निकलने वाला, यही रीज़न है ओजोन लेयर डिप्लीट करने के लिए। रेफ्रिजरेटर से फ्रियन निकलता है और इसको हम लोग इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एवापोरेशन क्योटो प्रोटोकॉल जानते हैं, जो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स डिप्लीट कर रहे थे ओजोन को। टोक्यो जापान में ये हुआ था, एंटर्ड इनटू द फोर्स इन द ईयर 1997। 11 दिसंबर अडॉप्टेड ऑन 1992 पार्टीज हैव रेटिफाइड द प्रोटोकॉल। 191 स्टेट्स अटेंड किए थे और रिकवरी ऑफ ओजोन लेयर के लिए, और ओजोन होल हुआ था, अभी वो ठीक हो गया। फार्मूला इज O3, नेसेंट ऑक्सीजन ओ को कहते हैं। गैलाटिन प्रोड्यूस फ्रॉम द कोलाजन यूज एज ए स्टेबलाइजर इन आइसक्रीम के अंदर गैलाटिन का इस्तेमाल करते हैं। ब्लड शुगर, DNA शुगर, ग्रेप शुगर, शुगर केन, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज शुगर मेजर इंग्रेडिएंट ऑफ स्वीट एंड सॉफ्ट ड्रिंक, जो कि फॉस्फोरिक एसिड वीकेंड जो वीक करता है बोन को। कार्बोनेटेड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ प्रेजेंट इन सोडा वाटर। मैग्नेटिज्म देखा जाए यहाँ पे, मैग्नेट इज़ अ नेम, आयोड स्टोन इज सिंपली एन ऑक्साइड ऑफ फॉर्म Fe3O4 फाउंड इन मैग्नीशिया, हैज़ द पावर ऑफ अट्रैक्टिंग सम सब्सटेंसेस एंड हैज़ अ टेंडेंसी टू पॉइंट नॉर्थ साउथ व्हेन फ्रीली सस्पेंडेड। वी कट ए मैग्नेट इज ब्रोकन पीसेस, अलग अलग नॉर्थ एंड साउथ पोल के हिसाब से उसका नॉर्थ एंड साउथ पोल ही देखने को मिलता है। और मैग्नेटिक फील्ड लिमिट्स अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो कि टाइप अलग अलग है, जो कि डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, तीन तरीके होते हैं। डायमैग्नेटिक जो कि अट्रैक्ट नहीं करते हैं, रिपल करते हैं, बिस्मथ, एंटीमनी, फास्फोरस, जिंक, टिन, लेड। फेरोमैग्नेटिक जो कि अट्रैक्ट करते हैं आयरन, कोबाल्ट, निकल। मैग्नेटिक इंडक्शन क्या, जो कि पैरामैग्नेटिक जो कि फीबली अट्रैक्ट करते हैं। मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, एक फिनोमेना बाय विच एन अनमैग्नेटाइज्ड पीस ऑफ आयरन बिकम्स मैग्नेटाइज्ड व्हेन प्लेस्ड इन द नेबरहुड ऑफ द परमानेंट मैग्नेट, ये मैग्नेटिक इंडक्शन। लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स क्या कहता है, लाइक पोल्स नॉर्थ नॉर्थ जो कि रिपेल करता है, अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट करता है। शूट टेस्ट जो होता है, ये मैग्नेट है कि नहीं फाइंड आउट करने के लिए रिपल्शन टेस्ट इज द शूट टेस्ट। क्यूरी टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस डिक्रीजेस एंड अबो ए सर्टन टेम्परेचर द सब्सटेंस चेंजेस इनटू पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस। द परमानेंट मैग्नेट आर मेड ऑफ, ये जितने भी क्यूरी टेम्परेचर वो टेम्परेचर जहाँ पे जो परमानेंट मैग्नेट जितने जो भी है वो पैरा मैग्नेटिक हो जाता है उस टेम्परेचर के बाद, और वो ज़्यादा हैमरिंग से उसका मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट ख़त्म हो जाता है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होते हैं और कोर ऑफ ट्रांसफार्मर्स, टेलीफोन डायफ्राम्स, आर्मेचर्स ऑफ डायनमोस एंड मोटर्स, ये सब सॉफ्ट आयरन से बना हुआ है और मेटल एंड स्टेलर से। मैग्नेटाइट जो है आयरन वो कह सकते हो नेचुरल मैग्नेट, जिसको हम आयोडोस्टोन भी कहते हैं। और द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेट जो कि अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस, इट ऑलवेज कम्स टू द रेस्ट इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली। लाइक पोल्स को रिपेल करता है, अनलाइक पोल को अट्रैक्ट करता है, यही प्रॉपर्टीज है। मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स में आपको रहेगा नॉर्थ और साउथ, जो कि स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट सबसे ज़्यादा आपको पोल्स में देखने को मिलता है, और सेंटर में आपको एंड में ज़्यादा मिलता है, और सेंटर में एकदम शून्य रहेगा मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी। और जो कि यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, अलग अलग देख लीजिएगा क्या क्या यहाँ पे दिया गया नॉर्थ एंड साउथ पोल के बारे में। द म्यूचुअली रिपेल ईच अदर एंगल बिटवीन टू डायरेक्शंस कॉल्ड डिक्लिनेशन कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड जो कि अराउंड द मैग्नेट जो भी रहेगा वो मैग्नेटिक फील्ड है। और इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, द स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ गिवन पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट नॉर्थ पोल व्हेन प्लेस्ड इन एयर वैक्यूम, जिसको हम लोग कहते हैं टेम्परेरी मैग्नेट, जो कि दी सब्सटेंसेस मैग्नेटाइजेशन ईजिली एंड डीमैग्नेटाइज क्विकली, मैग्नेटाइज जल्दी हो जाता है डीमैग्नेटाइज। और सॉफ्ट आयरन यहाँ पे कोर ऑफ ट्रांसफार्मर एंड डायनमो ये सब कह सकते हो परमानेंट मैग्नेट, जो कि मैग्नेटिक सब्सटेंसेस मैग्नेटाइज स्लोली एंड स्टडीली एंड लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम रहेगा इसका लाइफ। स्टेनलेस स्टील इज़ फ्रीक्वेंटली यूज्ड फॉर इट्स कंस्ट्रक्शन इन ऑर्डर टू ऑब्टेन गुड क्वालिटी ऑफ परमानेंट मैग्नेट। सो स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल करते हैं। लाउड स्पीकर, नीडल इंडिकेटर, गैल्वेनोमीटर आर मेड ऑफ मैग्नेटिक परमानेंट मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं इन सब चीज़ों बनाने के लिए। और व्हेन एनी मैग्नेटिक कंपास नीडल इज फ्रीली सस्पेंडेड थ्रू इट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी देन द कंपास रिमेंस कन्फाइंड इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन दिखाता है वो। और द मैग्नेटिक कंपास टू रिमेन स्टैटिक इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन टेल्स अस अबाउट द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द अर्थ सर्फेस, दिस इज कॉल्ड टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म। एंगलर ऑफ डिक्लिनेशन क्या होता है, इट इज़ एट द एनी प्लेस ऑफ द अर्थ द एंगल बिटवीन द जियोग्राफिकल मेरिडियन एंड द मैग्नेटिक मेरिडियन, जिसको हम लोग एंगलर ऑफ डिक्लिनेशन कहते हैं दोस्तों।
अगला देखिए एंगल ऑफ डिप और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन में द पोल्स ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक एंगल ऑफ डिप क्या है 90 डिग्रीज, इक्वेटर के पास एंगल ऑफ डिप क्या रहेगा 0 डिग्री रहेगा। अब मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स देखिएगा जो कि यहाँ पे दिस आर द कर्व्स पार्ट्स सच दैट द टेंजेंट ड्रॉन ऑन इट एट एनी पॉइंट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन और फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं इसको, ये है वेबर मीटर पर स्क्वायर मीटर। अगला देखिए द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड आई इज इक्वल टू m upon v, दैट इज नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्सेस पासिंग पर यूनिट एरिया। अगला ससेप्टेबिलिटी क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक मैग्नेटाइजेशन आई टू द मैग्नेटिक मैग्नेटाइजिंग फील्ड इन विच मटेरियल इज प्लेस्ड। ससेप्टेबिलिटी इज इक्वल टू i/h। परमेबिलिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक इंडक्शन टू मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं परमेबिलिटी। टेंजेंट लॉ क्या होता है देख लीजिएगा, f इज इक्वल टू b tan θ इज द टेंजेंट लॉ। और यहाँ पे देखा जाए टेंजेंट गैल्वेनोमीटर जो कि प्लेस्ड मैग्नेटिक मेरिडियन देन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इट्स मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू b tan A। वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कंपेयर मैग्नेटिक मूवमेंट्स को कंपेयर करने के लिए टू मैग्नेट्स का, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इट्स मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लॉ ऑफ लोटेशन फॉर्मुलेटेड बाय आर्किमिडिस, और लैक्टोमीटर और हाइड्रोमीटर जो कि ऑन द बेस्ड ऑन दिस, जितने भी लैक्टोमीटर काम करता है हाइड्रोमीटर काम करता है वो आर्किमिडिस प्रिंसिपल पे लॉ ऑफ लोटेशन पे ही काम करता है। अलग अलग स्टेट्स ऑफ मैटर है सॉलिड लिक्विड गैस, ये सॉलिड स्टेट में जो भी आर्टिकल्स है पार्टिकल्स है वो एकदम कन्फाइन रहेगा, लिक्विड में फ्री मोशन देखने को मिलता है, डेफिनेट शेप तो नहीं है, और गैसियस स्टेट में आपको फ्री में मोशन देखने को मिलता है पार्टिकल्स का और लार्ज वॉल्यूम। और यहाँ देखा जाए यहाँ पे प्लाज्मा स्टेट एक चौथा स्टेट होता है सॉलिड लिक्विड गैस के अलावा, ये प्लाज्मा स्टेट जो है मॉलिक्यूल फ्रैगमेंट हाई एनर्जेटिक आटम्स आर डिफरेंट बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयन्स ऑफ द एलिमेंट। एग्जाम्पल्स ऑफ नियॉन ज़ाइन फ्लोरेसेंट लाइट, नियॉन ज़ाइन आर ग्लास ट्यूब्स फिल विद द गैस। सो इकड़ा यहाँ पे देखिएगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैसियस स्टेट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर विदाउट चेंज ऑफ टेम्परेचर एट इट्स बॉयलिंग, जिसको हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। इंटरचेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर जो कि फ्यूजन या मेल्टिंग भी कहते हैं, जो कि सॉलिड स्टेट से लिक्विड, फ्रीजिंग जो कि लिक्विड से सॉलिड, मेल्टिंग यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड देख लीजिए, बॉयलिंग एवापोरेशन क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है, डिपोजिशन चेंजेस ऑफ गैसियस स्टेट इनटू डायरेक्ट सॉलिड, और जो भी क्लाउड होते हैं वो ऐसे ही होता है डिपोजिशन फॉर्म होता है। सब्लिमेशन जो कि कैम्फर होता है और नेफ्थलीन गोलियां होते हैं, सॉलिड से सीधा गैसियस स्टेज देखने को मिलता है। सब्सटेंस क्या होता है, इट इज़ अ काइंड ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर्स, जो कि गोल्ड सिल्वर ये सब सब्सटेंसेस है। प्योर सब्सटेंसेस वो होता है सिंगल सब्सटेंस एंड हैज़ ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन सच एज सब्सटेंसेस हैज़ अ सेम टेक्सचर टेस्ट, जो कि साल्ट शुगर कह सकते हो। एलिमेंट जो होता है हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये सब सिंपलर सब्सटेंसेस है एलिमेंट्स है। कंपाउंड जो कि दो एलिमेंट्स का टुगेदर सोडियम क्लोराइड कंपाउंड है। मिक्सचर जो कि हवा एक मिक्सचर है। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर वो होता है इट हैज़ अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स कंपोनेंट्स कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड विजुअली। वो विनेगर एक होमोजेनियस कह सकते हो। हेटेरोजेनियस यानी इट इज़ वन दैट इज़ नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट, डिफरेंट सैम्पल्स ऑफ हेटेरोजेनियस मिक्सचर मे बी हैव डिफरेंट डिकम्पोजिशन, सॉल्ट एंड पेपर कह सकते हो। डिकैंटेशन या सेडिमेंटेशन इनसॉल्यूबल हैवी पार्टिकल्स इन ए लिक्विड आर अलाउड टू सेटल डाउन, जिसको हम डिकैंटेशन या सेडिमेंटेशन कहते हैं। फिल्ट्रेशन क्या होता है, द सोल्यूशन बी फिल्टर्ड बाय फिल्टर पेपर, इनसॉल्यूबल सॉलिड बी रिटेन्ड ऑन द फिल्टर पेपर कॉज्ड रेसिड्यू। और क्रोमैटोग्राफी वो होता है बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन अब्सॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस ऑन द सर्फेस ऑफ द सॉलिड मीडियम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मोबाइल फेज। मैग्नेटिक सेपरेशन क्या होता है, टू सेपरेट द मिक्सचर कंटेनिंग वन मैग्नेट कॉम्पोनेंट टू अनदर नॉन मैग्नेटिक कॉम्पोनेंट। सेपरेटिंग फनल एक होता है जो कि टू रिकवर वन ऑफ द कॉम्पोनेंट्स फ्रॉम द एक्वियस सोल्यूशन ऑफ द मिक्सचर बाई एक्सट्रैक्टिंग द मिक्सचर विद द सुइटेबल सॉल्वेंट। द सॉल्वेंट शुड बी इमिसिबल विद द वाटर बट शुड डिजॉल्व वन ऑफ द कॉम्पोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर। डिस्टिलेशन क्या होता है, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ लिक्विड कॉम्पोनेंट्स हैविंग ए लार्ज डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, द लोअर बॉइलिंग पॉइंट कॉम्पोनेंट वेपराइजेस फर्स्ट एंड इट्स वेपर्स आर कंडेंस्ड बाई यूजिंग वाटर कंडेंसर एंड कलेक्टर। क्रिस्टलाइजेशन जिसको हम रिक्रिस्टलाइजेशन भी कहते हैं,
और देख लीजिएगा इसमें क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है और केमिकल चेंज क्या है, जो कि बर्निंग ऑफ पेपर को कहते हैं, उसका प्रॉपर्टी इरिवर्सिबल है, और फिजिकल चेंज जो कि उसका प्रॉपर्टी रिवर्सिबल है, जो कि सॉलिड लिक्विड, लिक्विड सॉलिड। अगला देखिए इम्पॉर्टेंट है एनर्जी कन्वर्जन। एनर्जी जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक मोटर में होता है, जो कि वाटर पंप कह सकते हो, और इलेक्ट्रिक एनर्जी साउंड एनर्जी स्पीकर्स में, साउंड एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी माइक्रोफोन जिसमें बात कर रहा हूँ मैं, मैकेनिकल एनर्जी जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी डायनामो में देख सकते हो, साइकिल में लगा रहता है, केमिकल एनर्जी से लेके मैकेनिकल एनर्जी जो कि ह्यूमन बॉडी होता है, हम लोग खाते हैं केमिकल और मैकेनिकल काम करते हैं, फोटो सेल जो होता है, लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोलर एनर्जी, एनर्जी स्टोर्ड इन ड्राई सेल जो कि पेंसिल सेल के अंदर केमिकल एनर्जी कह सकते हो, अल्फा रेज आर पॉजिटिव, बीटा रेज नेगेटिव, गामा रेज न्यूट्रल, और वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीज होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। इलेक्ट्रिसिटी जो कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इफ़ ए चार्ज ऑन ए बॉडी इज़ नॉट अलाउड टू फ्लो, जिसको हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, और अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन देखने को मिलता है, दैट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम एन आटम, टू ऑब्जेक्ट्स आर रब टुगेदर, सम इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट मूव टू अनदर ऑब्जेक्ट यहाँ पे, और यहाँ पे देख लीजिए नेगेटिवली चार्ज जो भी रहेगा वो इलेक्ट्रॉन्स है, पॉजिटिवली प्रोटॉन्स है, और यहाँ पे देखा जाए इंसुलेटर्स क्या होता है, कंडक्शन कन्वेक्शन इंसुलेटर्स जो कि जिसमें वेरी लिटिल इलेक्ट्रिकल चार्ज और हीट एनर्जी टू फ्लो, प्लास्टिक ग्लासेस के सेमी कंडक्टर्स जो कि इलेक्ट्रिक चार्जेस टू फ्लो बेटर दैन इंसुलेटर्स बट लेस दैन कंडक्टर्स, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम सेमी कंडक्टर्स है। इलेक्ट्रिक करंट के अंदर आप देख सकते हो अलग अलग है इसके अंदर, जो कि एक क्लोज्ड लूप ऑफ करंट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्क्यूट, द यूनिट ऑफ करंट एम्पियर में मेजर करते हैं, यहाँ पे यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ओम होता है, और अलग अलग मटेरियल का अलग अलग इलेक्ट्रिकल सब्सटेंसेस कैरेक्टरिस्टिक्स है, और यहाँ पे देखा जाए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो डील करता है विद द रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। और अगला देखा जाए यहाँ पे फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और जो कि फार्मूला डिस्क्राइब पोटेंशियल डिफरेंस जो कि वोल्टेज में मेजर करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स इज़ द वैल्यू दैट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय द सरफेस एरिया ऑफ द डिवाइस, कूलम्स लॉ जो होता है वन ऑफ द बेसिक आइडियाज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन फिजिक्स, द लॉ लुक्स एट द फोर्सेस क्रिएटेड बिटवीन टू चार्जेस चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स, एज डिस्टेंस इंक्रीजेस द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज, और यहाँ पे डायरेक्ट करंट अल्टरनेट करंट क्या होता है, करंट जो कि घरों में होता है वो अल्टरनेट करंट होता है, जो भी बैटरी के अंदर होता है वो डायरेक्ट करंट होता है, एसी टू डीसी रेक्टिफायर का इस्तेमाल करते हैं, डीसी टू एसी का क्या इस्तेमाल करते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अलग अलग तीन वेव है दोस्तों, और घरों में जो 220 वोल्ट का जो पावर देखने को मिलता है और साथ में 50 हर्ट्ज देखने को मिलता है, और जो वेव्स है मैकेनिकल वेव्स है जो कि ट्रैवल एयर वाटर रोप्स के अंदर आप देखने को मिलता है, और ट्रांसवर्स वेव जो कि परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव, लॉन्गिट्यूडनल जो कि मूव द पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव, सरफेस वेव्स आर बोथ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होता है जो कि सरफेस वेव होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर ए मीडियम टू ट्रैवल, एग्जाम्पल लाइट एंड रेडियो वेव्स कह सकते हो एक किस्म का, द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट इन अ वेव जिसको हम लोग क्रस्ट कहते हैं, द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट जिसको हम ट्रफ कहते हैं, जो कि मेजरिंग वेव जो है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड जिसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं हेड्स में मेजर करते हैं, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू वन अपॉन टाइम इज द आंसर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पीक्स हाइएस्ट पॉइंट्स जिसको हम वेवलेंथ लैम्बडा कहते हैं, वन यूनिट ऑफ वर्क जॉल और वर्क डन बाय फोर्स वुड बी जीरो इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज जीरो, और पावर जो होता है वो हम लोग रेट ऑफ डूइंग वर्क कहते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ पावर जो कि वाट में मेजर करते हैं, एक हार्स पावर इक्वल टू 746 वाट्स होता है, और यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर जो कि कैनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एम जी है, चौथा एनर्जी प्रोसेस्ड बाय बॉडी बाय मोशन ऑफ दैट इज कैनेटिक एनर्जी बाय पोजिशन पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, इट कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, द टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट, जो एनर्जी एग्जिस्ट है नेचर के अंदर, ये काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी हीट एनर्जी अलग अलग एनर्जीज आप देख सकते हो, और पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी, प्रेशर जो होता है मास इनटू वेलोसिटी रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर क्या है न्यूटन पर मीटर, और द सेम फोर्स एक्टिंग ऑन ए स्मॉलर एरिया एग्जर्ट्स लार्जर प्रेशर, और दिस इज द
रीज़न वाई नेल हैज़ ए पॉइंटेड टिप, नाइव हैज़ ए शार्प एडजस्ट। और यहाँ देखा जाए लॉ ऑफ रोटेशन क्या होता है, जो कि आर्किमिडीज ने बताया था, द वेट ऑफ द बॉडी शुड बी इक्वल टू द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी एंड दैट ऑफ द लिक्विड डिस्प्ले शुड बी द सेम स्ट्राइट लाइन, जो कि आर्किमिडीज ने बताया था कि लॉ ऑफ रोटेशन के लिए। व्हेन ए बॉडी इज इमर्ज्ड फुल्ली और पार्शियली इन ए लिक्विड, इट एक्सपीरियंस्ड ए अपवर्ड फोर्स दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाई इट। आर्किमिडीज ने ये बताया, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, रेंज ऑफ वेव स्पेक्ट्रम, रेडियो वेव होता है, योर रेडियो कैप्चर्स रेडियो वेव्स एमिटेड बाई रेडियो स्टेशंस, फेवरेट ट्यून्स, रेडियो वेव्स आर ऑल्सो एमिटेड बाई स्टार्स एंड गैसेस। और यहाँ पे देखा जाए अलग अलग है यहाँ पे वेव्स, माइक्रोवेव जो होता है, माइक्रोवेव रेडिएशन विल कुक योर पॉपकॉर्न जस्ट फ्यू मिनट्स के अंदर माइक्रोवेव के अंदर, एंड यूज बाय द एस्ट्रोनॉमर्स टू लर्न अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द नियर बाई गैलेक्सीज। इंफ्रारेड रेज, जो कि नाइट विजन गूगल्स पिकअप द इंफ्रारेड लाइट एमिटेड बाई आवर स्किन एंड ऑब्जेक्ट्स विद द हीट इन स्पेस। इंफ्रारेड लाइट हेल्प्स अस मैप द डस्ट बिटवीन द स्टार्स, और विजिबल जो है आवर आइज डिटेक्ट विजिबल लाइट, फायरफ्लाइज लाइट बल्ब्स जो कि एंड स्टार्स आर ऑल एमिट विजिबल लाइट, ये एमिट करते हैं। अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन होता है एमिटेड बाय द सन एंड दिस रीजन स्किन टैंस एंड बर्न्स, हॉट ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस एमिट अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एज वेल। इंपॉर्टेंट साइंटिफिक लॉ क्या है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो कि हमने डिस्कस किया है, अउबाव प्रिंसिपल एक होता है, इट्स स्टेट्स दैट इन एन अनएक्साइटेड आटम इलेक्ट्रॉन्स रिसाइड इन द लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल्स अवेलेबल टू देम। ये अउबाव प्रिंसिपल होता है। अवोगैड्रोस लॉ क्या होता है, इट स्टेट्स दैट इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ब्राउनियन मोशन क्या होता है, ज़िगज़ैग मोशन होता है, इरेगुलर मोशन एग्जिबिटेड बाई स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स वेन सस्पेंडेड इन ए लिक्विड आर गैस ड्यू टू द इरेगुलर बम्बार्डमेंट बाई द लिक्विड आर गैस मॉलिक्यूल्स। बर्नौलीज, इट स्टेट्स एट द स्पीड ऑफ द मूविंग फ्लूइड लिक्विड आर गैस इंक्रीजेज द प्रेशर विद इन द फ्लूइड। बॉयल्स लॉ, पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। चार्लेस लॉ, प्रेशर रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ गैस इंक्रीजेस डिक्रीजेस बाई 1/273 पार्ट ऑफ इट्स वॉल्यूम एट 0°C फॉर ईच डिग्री सेल्सियस राइज। कूलम्स लॉ जो होता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज एंड बोथ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। हेंसबर्ग प्रिंसिपल जो होता है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता है ये, इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन विद द एक्यूरेसी बोथ द पोजिशन एंड द मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल सच एज इलेक्ट्रॉन सिमल्टेनियसली। गिलजॉक्स लॉ होता है और ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ये आप सब याद रखिएगा। और आई होप दिस पैनाशिया विल फिनिश यू अलॉट, रेस्ट हम लोग जो भी डिस्कस करेंगे एंड वी विल वेट फॉर द फर्दर जो भी करंट अफेयर्स बनाएंगे और जितने भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अलग अलग वीडियो बनाता रहेंगे, वो भी आप वीडियो देख लें ताकि आपको काफ़ी आसान रहेगा। कोई भी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उसके अंदर कुछ ना कुछ नया सवाल आप लोगों को देखने को मिलेगा, आप उसको डोंट अंडर एस्टिमेट दोज क्वेश्चन, दे आर ऑल वेरी यूजफुल क्वेश्चन। थैंक यू गर्ल्स, I have done my part from my side. I want you guys to go through whatever the videos have been given in playlist and prepare yourself as per the expectations of the defense forces. Have a good day. Have a great life. I had given my maximum effort towards to succeed you guys into examination. Have a good day. Have a great life.